हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में मैं ओपन करने वाली हूँ अपनी प्रेगनेंसी फाइल। तो मैं आपसे आज शेयर करूँगी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी, काफ़ी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स, क्या क्या मेरे एक्सपीरियंसेस थे, क्या मेरे डॉक्टर की गाइडेंस थी। तो ये वीडियो उन सब की हेल्प करेगा जो करेंटली प्रेगनेंट हैं या जो प्रेगनेंट होना चाहते हैं, क्योंकि इससे आपको काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइल ओपन करने से पहले आपको बता देती हूँ कि मेरी जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी थी वो बहुत ही स्मूथ प्रेगनेंसी थी। मेरा एक बेटा है जो अब ऑलमोस्ट 4 साल का होने ही वाला है। 22 फरवरी 2017 को उसका बर्थ हुआ था एंड मेरी नॉर्मल डिलीवरी थी। तो आई रियली फील लकी कि मुझे एक अच्छी डॉक्टर मिली जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया और मेरी जर्नी बहुत स्मूथ थी। मेरी डिलीवरी हुई थी JP हॉस्पिटल नोएडा में। तो मैं ये इसलिए मेंशन कर रही हूँ बिकॉज काफ़ी लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। एंड मैं आपको अपनी डॉक्टर का नाम भी बता देती हूँ। मेरी डॉक्टर का नाम है डॉक्टर मंजू गुप्ता। मुझे पता नहीं कि अभी वो JP के साथ हैं या नहीं, बट शी हैज़ बिन माई डॉक्टर, सो आई थॉट आई विल मेंशन। तो आइए फाइल को ओपन करते हैं। ज़्यादा नहीं, इतने सारे पेपर्स हैं मेरे पास, बट मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही बताऊंगी। तो सबसे पहला पेपर है मेरा 27 जून 2016 का। मैंने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट घर पे करा था, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जो किट के थ्रू करते हैं, ऑन 27 जून इन द मॉर्निंग एट अबाउट 8 o'clock, और उसमें वो पॉजिटिव आया था। और आने के बाद मेरे से बिल्कुल वेट नहीं हुआ। आई जस्ट वॉन्टेड टू रश टू द डॉक्टर एंड आस्क कि जो मैं देख रही हूँ क्या ये सच है भी या नहीं। सो इमिजिएटली हम गए, हमें वहाँ का अपॉइंटमेंट भी मिल गया। अगर आप ये पेपर देखेंगे तो 9:28 की अपॉइंटमेंट है। सब कुछ चेक करने के बाद उन्होंने जो चीज़ें मुझे फर्स्ट कंसल्टेशन में मेंशन करी, सबसे पहला ये कि हम जो एक टेस्ट करेंगे, उन्होंने बोला वो 6 to 8 weeks के बाद होगा। तो उस टाइम तक सिर्फ 4 weeks ही हुए थे बिकॉज दैट वॉज द टाइम दैट आई हैड जस्ट मिस्ड माय पीरियड। तो उन्होंने बोला कि अभी राइट टाइम नहीं है टेस्ट करने का, एक टेस्ट हम करेंगे 6 to 8 week के बीच में। उसके बाद एक सेकेंड स्कैन होगा 11 to 13 weeks के बीच में, थर्ड स्कैन होगा 18 to 20 weeks के बीच में, एंड देन फोर्थ स्कैन होगा 28 to 32 weeks के बीच में। ये उन्होंने मुझे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड्स के बारे में बताया। इसके साथ उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई जो मुझे इमीडिएटली अपने डाइट में इंक्लूड करना स्टार्ट करना चाहिए। उन्होंने मुझे बोला कि आप सब कुछ खाओ, बट मेन चीज़ जो आपके डाइट में होनी चाहिए वो होना चाहिए आंवला, बिकॉज लॉट ऑफ विटामिन सी होता है उसमें और इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। एलमंड्स, तो मुझे सोक्ड एलमंड्स खाने होते थे, रात को मैं सोक करती थी और मॉर्निंग में 7-8 एलमंड्स खा लेती थी। एंड तीसरा होता था बीट रूट, इसलिए होता था क्योंकि वो खून के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि मुझे 3 different तरीके के फ्रूट्स दिन में ज़रूर खाने हैं अलग अलग, बट बेसिकली जो मुझे नहीं खाना है वो है पपाया, यहाँ पे उन्होंने स्पेशली मेंशन किया। एंड उन्होंने मुझे ये भी बोला कि अजीनोमोटो भी आपको नहीं खाना है। काफ़ी लोगों को चाइनीज खाना पसंद होता है, तो अगर आपको खाना भी है तो आप ज़रूर पूछ लो कि इसमें अजीनोमोटो तो नहीं डाला है। सो दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 cup ऑफ मिल्क ज़रूर लेना है, कोशिश करो कि दिन में 2 बार दूध लो, बट 1 cup ऑफ मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टी और कॉफ़ी को कम से कम लेना है। तो आप बहुत ही अगर अडिक्ट हो टी और कॉफ़ी के तो जस्ट 1 cup इन अ डे। मैं बहुत ज़्यादा अडिक्ट थी नहीं उस टाइम पे, तो मुझे एज सच इससे फ़र्क नहीं पड़ा। सो दैट समथिंग दैट शी मेंशन। एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स डाइट में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना है। इसके अलावा उन्होंने मुझे ये भी बोला कि हील्स पहनना अवॉइड करो, इफ़ यू कैन इट विल बी बेटर ओनली फॉर यू। तो वो आप ज़रूर करो, मुझे इतना शौक भी नहीं होता था, तो दैट वॉज गुड। एंड देन 2 बार आपको सोना है दिन में, सो दोपहर की नैप लेनी है और रात की नैप आपकी 8 hours ज़रूर होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे यहाँ पे मेंशन करके दी थी। सो इस कंसल्टेशन के बाद मैं घर आ गई और मेरी जर्नी जो थी विद द गाइडेंस दैट आई गॉट वो स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद मैंने नेक्स्ट विजिट किया था उन्हें 6 जुलाई को। तो यहाँ पे मैंने अल्ट्रासाउंड करा लिया था क्योंकि उन्होंने लिखा था 6 to 8 weeks और मेरे से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा हाँ 6 हफ्ते हो गए, चलते हैं। बट जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उन्होंने बताया कि अभी जो आपके जेस्टेशनल एज है वो है 5 weeks 6 days। तो तब उन्हें बहुत लाइट सा सैक दिखा था और बहुत क्लियरली चीज़ें नहीं दिखी थी, तो उन्होंने कहा आपने बहुत जल्दी कर दिया, इट इज़ बेटर कि आप 8th week में आओ, सो दैट विल बी बेटर। सो इसके बाद हम घर आ गए थे और उसके बाद 8th week में हमने फिर से विजिट किया था। तो 8th week मेरा पड़ा था July 23rd को। तो अगर मैं आपको ये नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड दिखाऊं, सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है जेस्टेशनल एज 8 weeks 1 day। तो यहाँ पे मेरा एक्चुअल अल्ट्रासाउंड जो एक मैंने ज़बरदस्ती का पहले करा लिया बिकॉज ऑफ माई हरी, बट 8th week में कराना बेटर रहा। तो यहाँ पे उनको सब कुछ क्लियरली दिख गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एवरीथिंग वॉज बिल्कुल परफेक्ट। सो 8th week अल्ट्रासाउंड के बाद उन्होंने मेरे कुछ टेस्ट्स कराए थे। तो यहाँ पे 4th August को मेरे कुछ टेस्ट हुए हैं, जैसे कि यूरिन रूटीन टेस्ट था ये।
उसके बाद एक ग्लूकोज टेस्ट हुआ था बेसिकली चेक करने के लिए कि कोई मुझे शुगर की प्रॉब्लम तो नहीं है, बिकॉज काफ़ी लोगों को नॉर्मली शुगर नहीं होता है या थायराइड नहीं होता है, बट प्रेगनेंसी के दौरान ये हो जाता है. सो डोंट बी सरप्राइज अगर आपके साथ ऐसा हो. साथ में थायराइड का टेस्ट भी हुआ था एंड उसके बाद एक कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट हुआ था यहाँ पे बेसिकली चेक करने के लिए कि बॉडी में सब कुछ बिल्कुल ठीक है, किसी चीज़ की कोई कमी हो रही है तो इमिजिएटली सप्लीमेंट्स को दे के उस कमी को पूरा किया जा सके ताकि बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिल सके. इसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट कंसल्टेशन के लिए गई थी ऑन 26 अगस्त, दैट वॉज वन डे बिफोर माई बर्थडे, और यहाँ पे मेरा नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड होना था जो उन्होंने 11-13 वीक के बीच में लिखा था. तो इस बार मैं थोड़ा लेट गई और यहाँ पे 13 वीक्स 1 डे का जेस्टेशनल एज था, तो विच वॉज गुड. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड था तो ये भी सारा बिल्कुल ठीक आया, जस्ट एन अल्ट्रासाउंड एंड कंसल्टेशन विद द डॉक्टर. 22 अगस्त के बाद मैं अपनी नेक्स्ट कंसल्टेशन के लिए गई थी ऑन द 3rd of September. यहाँ पे भी सब कुछ नॉर्मल था. आई वॉज जस्ट हैविंग सम बेसिक एसिडिटी इशूज, मुझे थोड़ा सा मॉर्निंग में फील होता था. मुझे नॉजिया कभी भी नहीं हुआ एंड आई डेंट डू एनी होम रेमिडीज फॉर इट ऑल्सो, बट मैं बहुत ज़्यादा ओवर ईट वगैरह भी नहीं करती थी, मेरा खाना बिल्कुल नॉर्मली चल रहा था. बट इस स्टेज पे आके मुझे थोड़ा एसिडिटी प्रॉब्लम होता था तो उन्होंने मुझे उसके लिए मॉर्निंग की एक दवाई दे दी थी जो मैंने इंक्लूड कर ली थी. और यहाँ पे उनको ये भी थोड़ा सा फील हुआ कि मुझे एक प्रोटीन सप्लीमेंट अब अपनी डाइट में ऐड कर लेना चाहिए. सो दे आस्क यू कि आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा असेसमेंट कर लेते हैं. सो डिफरेंट प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं स्पेशली फॉर एक्सपेक्टिंग मॉम्स, वो आप अपने डॉक्टर से पूछ के लिखवा सकते हो. 3rd September के बाद मेरा नेक्स्ट चेकअप जो था वो था वेरी इंपॉर्टेंट. इट वॉज ऑन द 7th and 8th of October. यहाँ पे होना था मेरा मेन स्कैन जो होता है 18-20 वीक्स के बीच में. इसको एंटीनेटल चेकअप या अनोमली स्कैन भी बोलते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कैन. तो यहाँ पे बेसिकली ये देखते हैं कि बच्चे की जो ग्रोथ हो रही है वो ठीक से हो रही है या नहीं, कोई डिफॉर्मिटीज नहीं है, देर इज नथिंग अनयूजुअल या अबनॉर्मल. इफ देर इज कोई प्रेगनेंसी को रिस्क है या बच्चे को कोई रिस्क है तो दे इमिजिएटली कॉल इट आउट. सो ये जो 18-20 वीक वाला स्कैन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लस ये जो स्कैन था ये कलर्ड स्कैन था तो हमें काफी क्लियरली अपने बेबी का एक बेसिकली जो स्ट्रक्चर था वो दिखा. 8 अक्टूबर के बाद मेरा नेक्स्ट विजिट था ऑन द 5th of November. ये भी एक रूटीन चेकअप ही था बट यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब आप अपनी डाइट में प्रोटीन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दो, बच्चे की ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो उन्होंने मुझे स्पेशली बोला कि अपनी डाइट में पनीर, सोयाबीन, एग वाइट्स को ज़रूर इंक्लूड करो, साथ में दूध पियो, प्रोटीन सप्लीमेंट ज़रूर लो. बिकॉज कई बार होता था मुझे प्रोटीन सप्लीमेंट का टेस्ट नहीं आता था बट डॉक्टर ने कहा यू डोंट हैव एन ऑप्शन, प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड्स ग्रोथ. नेक्स्ट पेपर्स है मेरे पास 20th November के. तो यहाँ पे एक रिपीट चेक हुआ था बेसिकली ग्लूकोज का, विच इज योर शुगर, ये चेक करने के लिए कि मुझे प्रेगनेंसी के दौरान शुगर डेवलप तो नहीं हो गई. उसके बाद नेक्स्ट विजिट वॉज ऑन द 12th of December और यहाँ पे अगेन देर वॉज अ अल्ट्रासाउंड तो जिसके लिए हमें जाना था एंड अगेन एवरी थिंग वॉज एब्सोल्यूटली नॉर्मल. डॉक्टर ने एक्चुअली मुझे डेट दी थी 3rd of March 2017. तो आपको एक टिप और दूंगी कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी हर पीरियड डेट को नोट ज़रूर करो, बिकॉज जब आप कंसीव कर लेते हो तो डॉक्टर्स जो आपकी लास्ट मेंसुरेशन डेट है वो आपसे मांगते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्रेगनेंसी के वीक्स को कैलकुलेट करते हैं. तो आपके हर स्कैन में लिखा होता है कि आपकी लास्ट डेट क्या थी, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो वॉट योर डेट इज. जैसे मेरे केस में इट वॉज 26 May 2016 तो मुझे पता है जब मैंने 27 जून को टेस्ट किया था तो एग्जैक्टली 4 वीक्स ही हुए थे. ओके, एंड इसी तरीके से दिसंबर भी आराम से निकल गया. हम वेट कर रहे थे कि 3rd March बस अब आने ही वाला है, बट जनवरी में मुझे फर्स्ट प्रॉब्लम आई थी. तो ये मेरा पेपर है ऑफ द 6th of January. मुझे याद है कि अराउंड द 4th या 5th January मैंने अपना मटर्निटी शूट कराया था जिसके लिए हम बाहर गए थे और अच्छा खासा 3-4 घंटे का शूट था. आई हैड अ लॉट ऑफ फन इन इट. बट जब मैं वापस आई तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं उठी तो मुझे बहुत एक सिवियर पेन शुरू हो गया था. मतलब इतना ज़्यादा पेन था कि मुझे लग रहा था कि ना मैं सो पा रही हूँ, ना मैं बैठ पा रही हूँ, ना मैं लेट पा रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी. एंड इमीजिएटली हमें डॉक्टर को उस दिन विजिट करना पड़ा. ये 6th of January का पेपर है और डॉक्टर ने मुझे बोला कि एक स्कैन करना पड़ेगा, उसी से पता चलेगा कि ये शूटिंग पेन क्यों हो रही है. मतलब इट वॉज सच बैड पेन कि बस मेरे आंसू निकल रहे थे. मुझे लग रहा था मुझे कुछ डेफिनेटली हो गया या बेबी को कुछ हो गया, बिकॉज मतलब कुछ भी नहीं कर पा रही थी मैं. आई वॉज जस्ट इन सिवियर पेन. तो 7th Jan को एक एडिशनल अल्ट्रासाउंड करना पड़ा अपार्ट फ्रॉम द रूटीन अल्ट्रासाउंड दैट वॉज प्लान टू सी. तो यहाँ पे जब स्कैन हुआ तब उसमें पता चला कि एक फाइब्रॉयड डेवलप हो गया, एक छोटा सा फाइब्रॉयड था. बट वो फाइब्रॉयड क्या हो रहा था, जब अटक रहा था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन ट्रिगर हो रही थी, फाइब्रॉयड की वजह से ही प्रॉब्लम हो रही थी. और डॉक्टर ने मुझे ये भी बताया कि इसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन हो, बट ये टू अर्ली है बोलने के लिए, हमें देखना पड़ेगा.
इसको कैसे ट्रीट करना है वो स्टार्ट करते हैं एंड देन उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि ये बढ़ता है या नहीं, क्योंकि अगर ये बढ़ेगा तो ये आपके प्लेसेंटा की और स्पेस ले लेगा जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा डर सा लग गया था बिकॉज दिस वॉज द 7th of January 2017 और बस 2 महीने से भी कम रह गए थे, तो ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल लास्ट फेज में आके कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आ जाए। बट लकीली विद द गाइडेंस ऑफ माई डॉक्टर ये जो पेन थी ये सबसाइड हो गई और चीज़ें काफ़ी ठीक हो गई। तो यहाँ पे मैं टिप आपको ये देना चाहूँगी कि हम प्रेग्नेंट जब होते हैं तो हम बहुत सारी होम रेमेडीज़ का पता करते रहते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, लोगों से बात करते हैं, बट योर डॉक्टर इज़ योर बेस्ट गाइड। आपको इतनी सी भी प्रॉब्लम होती है तो डोंट हेजिटेट टू रश टू योर डॉक्टर बिकॉज वो ही आपको बता सकते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। इट इज़ योर बेबी एंड योर सेफ्टी फर्स्ट, सो सबसे पहले डॉक्टर के पास भागिए। एंड दैट्स इट गाइज, आगे के पेपर रूटीन चेकअप्स हैं तो 16 जनवरी, 30th January, 8th February एंड देन 18th February। इस टाइम पे मैं डॉक्टर के पास नॉर्मल कंसल्टेशन के लिए गई थी बिकॉज जो लास्ट का मंथ होता है स्पेशली उस टाइम पे डॉक्टर आपको थोड़ा रेगुलर विजिट्स के लिए बुलाते हैं बिकॉज वो चेक भी करते हैं कि बच्चे का हेड कहाँ है, सब कुछ ठीक है या नहीं, मूवमेंट कैसा हो रहा है। तो उस टाइम पे बेसिकली अब यूजिंग देयर हैंड्स ओनली वो ये सब चीज़ें चेक कर लेते हैं, किसी स्कैन की उस टाइम पे ज़रूरत एज सच नहीं पड़ती है अनलेस द डॉक्टर वॉन्ट्स। एंड 21st February को मेरी लास्ट कंसल्टेशन थी, जब मैंने डॉक्टर को विजिट किया उन्होंने चेक किया तो मेरा वाटर बर्स्ट हो गया जिसकी वजह से मेरा डिलीवरी प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ा। एंड 22nd February को आई वॉज ब्लेस्ड विद अ हेल्दी बेबी। 3rd March मेरी ड्यू डेट थी, थोड़े दिन पहले ही कबीर इस वर्ल्ड में आ गया, बट दैट वॉज एब्सोल्युटली फाइन एज लॉन्ग एज ही वॉज हेल्दी, विच ही वॉज, एंड लाइफ हैज बीन ग्रेट आफ्टर दैट। बहुत लोग मुझे कहते हैं आप पेरेंटिंग पे वीडियोज करते हो, आपने प्रेगनेंसी पे बहुत ज्यादा नहीं किया, वो इसलिए बिकॉज मैंने चैनल उसके बाद ही स्टार्ट किया तो मुझे लगा वाई नॉट ओपन माई फाइल एंड शेयर सम थिंग्स दैट मे हेल्प यू। मेरा सीक्रेट टू अ हेल्दी प्रेगनेंसी हैज ऑलवेज बिन नॉट टेकिंग स्ट्रेस, ट्राइंग टू स्टे एज हैप्पी एज आई कैन, 30 minutes ऑफ वॉक एवरी डे एंड ईटिंग हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड, और यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर आपके कोई और क्वेश्चन है तो कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मेरी लेबर स्टोरी को जाके जरूर चेक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉम कॉम इंडिया, बाय।